अभी आपने जो तस्वीर अपनी स्क्रीन पर देखी, ये तस्वीर फेक नहीं है और ना ही इस तस्वीर के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ की गई है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ सामने आई कमलनाथ की ये तस्वीर राजनीतिक बोलचाल में शिष्टाचार मुलाकात कही जा सकती है, लेकिन कहते हैं ना कि हमेशा जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखाई देता नहीं। लेकिन शायद कांग्रेसी नहीं होने वाले को भी देख लेते हैं, इसलिए कमलनाथ की बीजेपी नेताओं के साथ वायरल हो रही इस तस्वीर को फेक बताकर अपने मन को तसल्ली देने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि दिल खुश करने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। अब जरा आप इस दूसरी तस्वीर को भी देखिए और खुद तय कीजिए कि क्या ये तस्वीर भी फेक है। ये दूसरी तस्वीर कमलनाथ की भी वायरल हो रही है, जो कि विधानसभा के अंदर की है। इन तस्वीरों को लेकर फिलहाल कांग्रेस की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान तो सामने नहीं आया, लेकिन कुछ कांग्रेसी इस बात को मानने को हरगिज तैयार नहीं है कि जो कुछ भी वो देख रहे हैं वो एकदम सही है। और एक बात जो हमारे दर्शकों को जानना जरूरी है कि सूत्र तो यहाँ तक कहते हैं कि आज यानी गुरुवार को विधानसभा के बंद कमरे में सीएम मोहन यादव और बीजेपी के दूसरे सीनियर नेताओं के साथ कमलनाथ की काफी देर तक बातचीत भी हुई है, जिसके बारे में जानकारी कुछ ही लोगों को है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब एकदम से अचानक कैसे होने लगा, तो हम आपको बता दें कि ये सब अचानक नहीं हो रहा है। ज्यादा नहीं, याद कीजिए 2 महीने पहले का समय, जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे और जीत का दम भर रही कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी थी। बस सब कुछ उसके बाद शुरू हुआ। कमलनाथ का कद मानो कांग्रेस में कम सा हो गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कमलनाथ पर आरोप लगाने लगे और अटकलें चल पड़ी कि क्या कमलनाथ बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन कमलनाथ ने कभी भी इसके बारे में कुछ भी खुलकर नहीं कहा। बहरहाल अब देखना तो यही है कि आने वाला समय कांग्रेस और कमलनाथ को कहां लेकर के जाता है। क्या ये सब जो हो रहा है वो महज इत्तेफाक है या फिर इन सब की प्लानिंग काफी पहले की जा चुकी है। आप बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार।